हे एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो जिस टाइटल को आप पढ़कर आए, तो दैट इज कि जो नोरसेट का जो रिजल्ट आने वाला है उसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या चल रही है, पहली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। सेकंड ये कि जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक आप किस तरीके से अपने आप को डील कर सकते हो, मेंटली स्टेबल रह सकते हो, या फिर इसके अलावा आगे के लिए किस तरीके से तैयारी कर सकते हो। और तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग नोरसेट 5 के लिए कि वो एग्जाम कब तक लग सकता है, ये 3 मेजर जो अपडेट्स है वो इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आई थिंक लास्ट 15 से 20 डेज बाद में जाके ये कैमरा ट्राइपॉड वगैरह लेके बैठा हूं, जस्ट बिकॉज कि मैं इलेक्शंस की वजह से बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था। जो अभी एम्स दिल्ली के अंदर एएनयू के इलेक्शन चल रहे थे उसके रिगार्डिंग, तो कल ही उसका सारा सब कंप्लीट हुआ है, तो उसके बाद आज मुझे जाके प्रॉपरली टाइम मिला कि आप सब बच्चों के लिए सबके लिए मैं शूट कर पाऊं। वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना अगर आपको इस वीडियो से 1% फायदा भी होता है तो। हाँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आता हूं जिस चीज का आप वेट कर रहे हो, दैट इज कि नोरसेट 4 का जो रिजल्ट है। नोरसेट 4 के रिजल्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियो बनाई नहीं, लाइव गया था आप सारे बच्चों के ऊपर क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, और इसके अलावा मैंने 2-3 शॉर्ट वीडियो बनाई थी। उस वीडियोस के अंदर मैंने ये बोला आपको कि अभी नोरसेट का रिजल्ट अगले 5-7 दिन में, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा, जस्ट बिकॉज कि उस टाइम तक सभी को यह लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर एम्स दिल्ली जा पिछले 5-7 साल से हमेशा से ऐसे ही रिजल्ट डालता है, ऐसे डिक्लेयर करता है, कभी वो फिक्स 1 महीने बाद आता है या फिर कभी 10-12 डेज के अंदर आता है या फिर इसके अलावा कभी 20 दिन के अंदर आता है, बस इससे ज्यादा कभी टाइम नहीं लिया आज तक। लेकिन इसके अलावा ये भी याद रखिए इस चीज के साथ ही साथ में कि अभी तक ऐसा कोई केस भी नहीं लगा रिजल्ट के ऊपर जो सीबीआई की जांच वगैरह की है, जो स्क्रीनशॉट वायरल हो गए थे, जो पेपर लीक के ऊपर जो बातें चल रही थी, तो ऐसा सीन भी कभी क्रिएट नहीं हुआ। तो इस वजह से वो 1 महीने का टाइम स्लॉट जो लेते हैं हर बच्चा, हर स्टूडेंट, और मैंने भी बहुत बार वीडियो के अंदर बोला कि यार वेट कर लीजिए 2-4 दिन उस चीज को लेके। लेकिन अभी आपको लेटेस्ट अपडेट ये नोटसेट 4 के लिए कि जो सीबीआई की जो जांच चल रही थी उसके अंदर जो जिस लड़की के ऊपर उन्होंने केस लगाया था उसने भी अपना एडवोकेट हायर कर रखा है, और उस वजह से उनके प्रॉपरली पूरा कोर्ट के अंदर केस चलेगा। जब तक उसका कंप्लीट रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक जहां तक चांसेस है रिजल्ट नहीं आएगा। अब वो रिजल्ट कब तक आता है, या वो अगले 10 दिन के अंदर आता है, वो अगले 1 महीने के अंदर आता है, 2 महीने के अंदर आता है, या फिर 2 दिन बाद में आता है, जब तक वहां से कोई अपडेट नहीं आएगी, जहां से वहां से रिजल्ट से रिगार्डिंग कोई भी डिक्लेयर नहीं होगा, तब तक यहां से रिजल्ट आपके सामने नहीं देखने को मिलेगा। वो सारा मैटर क्लोज होते के साथ में भाई आपके सामने रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग नोरसेट 4 के जो रिजल्ट है जिसका आप वेट कर रहे हो, और जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइटल को आप पढ़कर आए हो। एक बात इसके अंदर ये चीज जरूर याद रख लेना कि जब भी रिजल्ट आएगा तो जो वो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते वो फॉलो कर लेना, मैं क्योंकि सबसे पहले वहीं पे लाइव जाऊंगा, या फिर मैं यहाँ पे आईडी मेंशन हो रही होगी पंकज हेयर 999 करके सर्च मार लेना इंस्टाग्राम के ऊपर, वहीं पे मैं लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूँ जितनी भी नोरसेट से रिगार्डिंग, लेटेस्ट वैकेंसी से रिगार्डिंग, या फिर जो भी अपडेट्स है मैं वहां पे डालता रहता हूँ, तो प्लीज वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा मैं सबसे पहले लाइव भी वहीं पे जाऊंगा, तो वहां पे जाके इंस्टाग्राम मुझे सर्च कर लेना, और सबसे ज्यादा मैं एक्टिव भी वहीं रहता हूं। तो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की ये था नोरसेट के रिगार्डिंग से रिजल्ट से कि आप जिस चीज का इतना ज्यादा वेट कर रहे थे। अब बात आती है मोस्ट इंपोर्टेंट कि चलो ठीक है रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, अब उसके साथ में अपन किस तरीके से मेंटली स्टेबल होता हूं। मैं ये बात एकदम प्रैक्टिकल बोलूंगा, मैंने हमेशा मेरे चैनल पर प्रैक्टिकल बात करी है, दैट इज कि जब नोरसेट 20 का पेपर लगाता था उसके बाद में हर किसी को एग्जाम के रिजल्ट का वेट था, यानी कि फिर वो 1 महीने बाद जाके उसका रिजल्ट आया फिक्स 1 महीने बाद में, और तब तक बहुत सारे बच्चे इतने बार बोल रहे थे यार कब रिजल्ट आएगा कब रिजल्ट आएगा, लेकिन पेशेंस इज द अल्टीमेट गिव यू द रिजल्ट, यानी कि जब तक आपके दिमाग में आपकी लाइफ में पेशेंस है वही आपको रिजल्ट देता है, सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। उसके बाद ज्वाइनिंग का 7 महीने जाके बाद जाके ज्वाइनिंग हुई थी, अगर 20 से कोई बैच का बच्चा देख रहा है वीडियो तो बता कर लेना, फिर कहा कोई आपके सीनियर जूनियर से पूछ रहे हैं कि 7 महीने बाद जाके एम्स दिल्ली ने ज्वाइनिंग दी थी, तो 7 महीने का वेट करना एक बार सिलेक्शन होने के बाद में, ये बहुत ज्यादा आप अगर नॉर्मल समाज के अंदर है तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है, तो हमेशा पेशेंस रखे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर आपने अपनी अच्छी मेहनत की है आपको लगभग पता चल जाएगा कि इस लगभग आपको आइडिया आ रखा होगा कि हाँ मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला, और जो मार्जिन ऊपर है यानी कि जिनको ऐसा लगता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, 2 कैटेगरी इस चीज के अंदर। अगर फर्स्ट कैटेगरी में आपको बिल्कुल नहीं लगता कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं आप सब बच्चों को बोलूंगा कि बहुत सारी अदर वैकेंसीज आने वाली है, नोरसेट 5 भी आएगा, तो उसके लिए अभी से तैयारी करते चले, क्योंकि बाद में जाके आपके पास मेरा टाइम रहेगा, और अंडर प्रेशर कभी पढ़ाई नहीं होती है, अंडर प्रेशर खाली सिर्फ रिवीजन होता है, नोट्स तभी निकलते हैं, जिन्होंने एनक्लेक्स नहीं निकाल रखी वो अभी एनक्लेक्स निकाले, जिन्होंने टारगेट नहीं निकाल रखी वो टारगेट निकाले, ये सबसे बेस्ट टाइम है उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये जो नोरसेट 4 दिया था वो या देखने के लिए दिया था, यानी कि जो कई बच्चे थे जो खाली फोर्थ ईयर में ये एग्जाम डाल दिया होगा कुछ भी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सिर्फ पेपर को चेक करने के लिए कि लेवल कैसा आता है, उनके लिए भी, और इसके अलावा जिनका ये पता है कि यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं होने वाला,
जहां तक मुझे पता है, तो आप रिजल्ट का वेट ना करें, अपने ऊपर वर्क करें। इस वाले एग्जाम में रिजल्ट मिले ना मिले, पर अगले वाले एग्जाम में रिजल्ट मिलेगा। अगर आप यू सोच के चलोगे कि दिमाग के अंदर आपने ये सेट कर रखा है यार, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा ना, जब तक दिल को शांति नहीं आएगी ना, तो भाई मैं सही बता रहा हूं आपको, आपका अगले एग्जाम में भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने अभी से मेहनत नहीं की है, अगर आपने अभी से स्टार्टिंग नहीं की है, तो आने वाले टाइम में भी सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप नोट सेट 5 का वेट करें, मैं ये कह रहा हूं कि आने वाली कोई भी वैकेंसी में अगर आप आज मेहनत करते हो, तो क्या पता अगले 10 दिन बाद में, अगले 1 महीने बाद में KGMU की भी वैकेंसी आ रही है और भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, उनके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए सबसे पहले, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, सबसे पहले हर किसी को जॉब चाहिए होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए होती है, उसके बाद प्रेफरेंस स्टार्ट होती है कि मुझे एम्स दिल्ली में चाहिए या फिर भाई मुझे यूपी में चाहिए, फिर मुझे कहीं और स्टेट में चाहिए, ये चीजें बाद की प्रायोरिटी होती है। बाकी इसके अलावा आप प्रायोरिटी वाइज पेपर देते हैं, मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, वो मिल जाती है, वो बेस्ट पार्ट है। अगर नहीं मिलती है तो फिर वापिस से कंसिस्टेंसी आपको आगे जाके रिजल्ट देगी। तो ये चीज ध्यान देकर के चले, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो फिलहाल आपको करनी चाहिए और डेफिनेटली वर्क करेगी। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो इस साल में, तो ये चीज दिमाग के अंदर रख लो, अच्छे से रिजल्ट आएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं, जब मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि यार कल आएगा या परसों आएगा, कब आएगा। देखो अपना काम है मेहनत करना, वो हम दे चुके हैं। मैं मानता हूं वो आपकी जो मेंटली आपके अंदर, जब तक यार वो रिजल्ट नहीं दिख जाएगा मुझे कि यार मेरा पास हुआ है, मैं फेल हूं, मैं उसी हिसाब से ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक वो नहीं आए तब तक आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपने टाइम वेस्ट किया, अगर अगले वाले एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर इस जो रिजल्ट आएगा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, आप कहीं के भी नहीं रहोगे, मैं सच बता रहा हूं आपको, कहीं के भी नहीं रहोगे आप। अगर आपकी जितनी भी तैयारी की है, अगर आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो और 2-2 महीने का गैप पड़ रहा है, 1 महीने का गैप पड़ रहा है, आप वापिस से पीछे होते हुए जा रहे हो, और उस पीछे होने की वजह से अगर बाई चांस इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आप और ज्यादा पीछे हो जाओगे। तो बेटर ये सारे बच्चों के लिए, मोटिवेट रखे अपने आप को, तैयारी करते रहे। आपके दिमाग में यह ना चाहिए कि यार हो जाएगा, मेरी किस्मत है, मेरी मेहनत है, और अगर नहीं होता है तो भाई अगले एग्जाम ही हो जाएगा। और मैंने 7 साल में उन बच्चों को देखा है नर्सिंग के, जिन्होंने सच में दिल से मेहनत की है, वो आज तक कोई नहीं रुका, सबका सिलेक्शन हुआ है। बस इतना सा फर्क हो गया होगा, किसी का साल भर पहले हो गया और किसी का साल भर बाद में हुआ है, बस इतना ही फर्क है। खेल सारी मेहनत का है और कुछ भी नहीं। ये बातें मैं आपको वो बता रहा हूं जो शायद यूट्यूब पे बहुत कम लोग बताते हैं, और वो एक्सपीरियंस शेयर करो जो मैं पिछले 5-7 साल से देखता आ रहा हूं पूरी नर्सिंग फील्ड को। 4 साल तो मैंने जो 2020-21-22 का जो बैच निकले आए हैं, उन बच्चों का एक्सपीरियंस का लेवल के ऊपर मैं आपको ये सारी बातें बताता हूं, खुद का एक्सपीरियंस है। तो ये चीज ध्यान देकर के चलना, अपने ऊपर वर्क करो, अपने ऊपर उस चीज को क्रिएटिविटी के अंदर रखो, कोशिश करो कि हाँ मैं डेली डाटा नया पढ़ू, कोशिश करो उस चीज को रेगुलरिटी को मेंटेन करने की, सिर्फ 2 घंटे ही निकालो। मुझे पता है जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट एक बात याद रखिए, अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, कंसिस्टेंसी ही आपको रिजल्ट देती है, अल्टीमेट थिंग है। ये मैं सारे बच्चों को बता रहा हूं, जो भी बच्चों ने इतिहास के अंदर नर्सिंग में जो भी जॉब मिली है, फिर कोई भी एग्जाम क्रैक किया है, कंसिस्टेंसी ही रिजल्ट देती है और हार्डवर्क मैटर करता है, सबसे बड़ी बात यही होती है। तो इसलिए ध्यान देकर के चले, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बीच में अटके हुए रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो रिजल्ट के लिए अपडेट बता दिया। और ये सारी बातें मैं इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत बार बोलता रहता हूं, तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, इंस्टाग्राम पे ही ज्यादा मैं एक्टिव रहता हूं, वहां पे मुझे फॉलो कर लेना, डेफिनेटली जो भी ऊपर इंस्टाग्राम की आईडी आपको शो रही होगी। तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, दैट इज रिलेटेड टू द नोरसेट 5, यानी कि अब इसके बाद में नोरसेट 5 का जो रिजल्ट एग्जाम लगने वाला है, वो या लेट लगेगा या पहले लगेगा। देखो टेक्निकली बात करें, ठीक है आपने वो ऑर्डर देख रखा होगा, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो नोरसेट 5 का रिजल्ट डेफिनेटली जहां तक चांसेस है पोस्टपोन होगा, यानी कि अक्टूबर में भी हो सकता है, नवंबर में हो सकता है, चांसेस पूरे पूरे। क्यों पूरे पूरे भाई, जुलाई शुरू हो गया है, नोरसेट 4 का रिजल्ट नहीं आया, नोरसेट 5 की वैकेंसी कैसे निकाल दी जाएगी, और विदाउट जब तक इसकी पूरी सब कुछ हो जाए, तो बहुत कम चांसेस है हो जाए भाई, गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं, लेकिन चांसेस बहुत कम है नोरसेट 5 का जो एग्जाम है वो आगे बढ़ेगा। नोरसेट 2021 का पेपर भी भाई साहब प्लान तो 21 सितंबर में ही था, लेकिन वो नवंबर में जाके एग्जाम हुआ, तो 2 महीने तो वो बिना किसी कारण की वजह से आगे शिफ्ट हो गया, तो भाई इस बार भी चांसेस पूरे पर शिफ्ट होने के। बाकी इसके अलावा आपके सामने जो भी नोटिफिकेशन होगी वो देखते रहना। तो ये सारा सब कुछ है, लेटेस्ट अपडेट है, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, 80,000 की फैमिली है, बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली बनने वाली है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना, इस चैनल पर डालेगी, उस वीडियो से आपको 1% फायदा ना हो तो मेरी लाइफ में कोई वीडियो ना देखे। इस लेवल का पंकज यादव कंटेंट देता है, मेडिकल साइंस कंटेंट देता है, ये प्यार ये मोहब्बत ऐसे करते रहे। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करके जाना, वहां पे भी 10,000 की फैमिली बनने वाली है। बाकी इसके अलावा सारे जितने भी लेटेस्ट अपडेट है मैं डालता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।